आता न रह जाता है, रिश्ते नाते अपने वो सारे छोड़ जाता है। त्याग से मन जब पावन होगा, त्याग से मन जब पावन होगा, भक्ति का सावन मन में बसेगा, भक्ति का सावन मन में बसेगा, जिन धर्म हृदय में बस जाता है, जन्म मरण जग में आरी भक्ति की रातें होंगी उजियारी, शांति किनारे बस जाता है, जन्म मरण जग में आता न रह जाता है, रिश्ते नाते अपने वो सारे छोड़ जाता है। जय 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 जय। बहुत ही मंगल भावना से आदरणीय चौधरी विजय कुमार जी ने अपनी भावना या मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की। मंगलाचरण के पश्चात परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु हरि श्री विद्यासागर जी महाराज जी की हम सभी सामूहिक पूजन करें। पादोच्चारण के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज के श्री चरणों में सभी मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चंद सागर जी महाराज की जय। ऋणमीण सव सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे, दस दस दो दो वजने दस दो अणुपे हड़म वोचे। गृहस्थों का धर्म धर्म भावना के अंतर्गत बताया जा रहा है। जिस धर्म को संकल्प पूर्वक गृहस्थ
पालन करने के लिए उद्यत होता है उसी धर्म की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जो धर्म हम अपने कुल परंपरा से आए हुए नियमों के अनुसार पालते रहते हैं उसकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि कुल परंपरा से जो हमें मिला है उसका जो हम पालन कर रहे हैं वह तो हमारा धर्म है ही, लेकिन कुछ अपनी आत्म उन्नति के लिए ऐसे संकल्पों को ऐसे व्रतों को धारण करना जिसके माध्यम से यह आत्मा सिद्ध पद की प्राप्ति के योग्य बन सके। एक गृहस्थ श्रावक घर में रहकर दर्शन प्रतिमा का पालन करता है, अष्ट मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है। जब वह व्रतों को धारण कर लेता है तो वह व्रती श्रावक बन जाता है। उन व्रतों में जो शिक्षा व्रत थे वो शिक्षा व्रत का अर्थ होता है कि जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा दें उन्हें शिक्षा व्रत कहा जाता है। आपके लिए एक सामायिक शिक्षा व्रत बताया, एक प्रोस्तोपवास शिक्षा व्रत बताया, एक देशावकाशिक और एक अतिथि संविवाह, ये चार शिक्षा व्रत हैं। और इन चार शिक्षा व्रतों को इसलिए पालन किया जाता है ताकि उसका जो अड़ू व्रत है वह निर्दोष बना रहे। जो पांच अड़ू व्रत श्रावक ने धारण किए हैं उन अड़ू व्रतों की रक्षा करने के लिए ये चार शिक्षा व्रत और तीन गुण व्रत हुआ करते हैं। जब वह श्रावक इन शिक्षा व्रतों को पालने का अभ्यासी हो जाता है, जब वह सामायिक करने का, प्रोषद उपवास करने का अभ्यासी हो जाता है, तो अभ्यास करते करते उसके लिए यह एक अलग प्रतिमा का रूप ले लेते हैं व्रत। जो पहले सामायिक शिक्षा व्रत था वही तीसरी प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सामायिक का अभ्यास उसके लिए इतना हो गया कि वह तीन टाइम सामायिक करने का अपना मन बना लिया। वह निरतिचार सामायिक करने लगा, उसकी समता परिणति एकाग्रता की ओर होने लगी। इसी भावना के बल से वह तीसरी प्रतिमा को धारण कर लेता है। आज चौथी प्रतिमा के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। चौथी प्रतिमा प्रोषद प्रतिमा कहलाती है। प्रोषद का अर्थ होता है एक बार भोजन करना। क्या कहा? वस्तुतः इस प्रतिमा का नाम प्रोषद प्रतिमा ना हो करके प्रोषधोपवास प्रतिमा है। प्रोषद प्लस उपवास, प्रोषधोपवास। प्रोषद का अर्थ होता है एक बार भोजन और उपवास का अर्थ होता है चारों प्रकार के भोजन का त्याग। जब प्रोषद भी हो और उपवास भी हो तो वह प्रोषधोपवास कहलाता है। यानी अष्टमी और चतुर्दशी ये पर्व माने जाते हैं और इन पर्वों का जैन दर्शन में बहुत महत्व है। अष्टमी और चतुर्दशी को ही विशेष रूप से इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को ही विशेष रूप से इस प्रकार के तप किए जाते हैं और व्रती प्रतिमाधारी जो श्रावक हो जाता है वह अष्टमी और चतुर्दशी को ये प्रोषदोपवास व्रत भी करने लग जाता है। जब वह प्रोषदोपवास व्रत करता है तो उस विधि में वह क्या करता है?
आप करें या ना करें, लेकिन जानकारी तो अपने को अवश्य रखना ही चाहिए। अष्टमी आती है तो अष्टमी से पहले सप्तमी से ही वो तैयार होने लग जाता है। किसके लिए? कल अष्टमी आ रही है, उस व्रत का पालन करने के लिए क्या तैयारी करता है? ज्यादा खाने की तैयारी करता है आपकी तरह कि कल हमें उपवास करना है तो आज अच्छे से भर भर के ठूस ठूस के खा लें, ऐसी तैयारी करता है? नहीं, वह अष्टमी से पहले सप्तमी को शाम तक भी नहीं खाता। रात का तो वो त्यागी होता ही है, लेकिन आचार्य कहते हैं सप्तमी को वह एकाशन करता है। दिन में उसने 11 बजे तक भोजन कर लिया, उसके बाद में वह प्रत्याख्यान ले लेता है, यानी नियम ले लेता है त्याग का, कि अब हम कल अष्टमी का उपवास करके नौमी को ही पारणा करेंगे। अब उसके लिए कितने समय तक का त्याग हो गया, आप इस बात का विचार करें। शाम को भोजन करने के बाद में वो त्याग नहीं करेगा। जो प्रोषदोपवास करने वाला होता है वह सप्तमी का सुबह भोजन करने के बाद में 12 बजे के बाद उसका त्याग हो जाता है। 12 से 6 शाम तक वो त्याग, और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का वह रात्रि सप्तमी की, वो पूरा उसका भोजन के त्याग के साथ। फिर अष्टमी का पूरा दिन और अष्टमी की पूरी रात, और नौमी के ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही जैसे ही देखा कि बस उजाला हो गया है, कुल्ला कर लिया, चाय पी ली, उकाली पी ली, इतनी आकुलता नहीं करता। अष्टमी को भी वह जब अगर उसके लिए कोई अतिथि हैं, मुनि महाराज हैं, तो पहले वह मुनि महाराज के लिए आहार देगा, और आहार कराने के बाद में खुद अपना आहार करेगा। लगभग उसके लिए 12 बज जाते हैं, वह 12 बजे तक का उसका वह एक त्याग होता है। इतनी लंबी तपस्या गृहस्थ के लिए भी इस प्रोषदोपवास प्रतिमा के साथ में हो जाती है। और इस तरह का ये प्रोषदोपवास कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। 24 घंटे तो वो पूरे पूरे अष्टमी के, सप्तमी की रात के 12 घंटे, और सप्तमी के दिन के 12 बजे से 6 बजे तक के 6 घंटे वो, और नौमी के 6 घंटे वो। इस तरह से 48 घंटे का 16 प्रहर का उसका जब ये उपवास होता है तो वह प्रोषदोपवास कहलाता है। और इस प्रोषदोपवास का वह दूसरी प्रतिमा में अभ्यास करता है, नियम से करता है। लेकिन जब वह प्रोषदोपवास नाम की तीसरी प्रतिमा को ग्रहण करता है तो वह तब ग्रहण करता है जब उसके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है कि वह इन 48 घंटों में अपने समता परिणामों को बनाए रखे। मुख्य चीज क्या है? केवल आहार का त्याग करना मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज है मन के अंदर परिणामों में समता भाव बना रहना, निराकुलता का भाव बना रहना, और मन में किसी भी प्रकार की खेद खिन्नता नहीं होना। टाइम कैसे कटे यह नहीं सोचना, उसका वह टाइम धर्म ध्यान के साथ पूरा का पूरा टाइम कटता है। वह आचार्य कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान में तत्पर होकर के ही वो पूरे 48 घंटे निकालता है। किसी भी प्रकार का वह आरंभ नहीं करता, व्यापार इत्यादि के कामों से भी वह दूर हो जाता है, और वह सब प्रकार के अपने शरीर के लिए भी जो स्नान इत्यादि हैं उसका भी त्याग कर देता है प्रोषदोपवास प्रतिमा को धारण करने वाला। क्योंकि
जिस समय पर वह स्नान इत्यादि किया जाता है उसमें भी उसे हिंसा आदि दोष लगते हैं, वह भी आरंभ की क्रिया कहलाती है। और वह यह चाहता है कि एक दिन हम बिना स्नान के रह करके धर्म ध्यान करें, ये भावना ही उसका वह शिक्षा व्रत कहलाती है। किसकी शिक्षा मिल रही है इससे? मुनि महाराज बनने की वह शिक्षा लेता है। बिना स्नान किए हुए वह उपवास के साथ में अपना धर्म ध्यान करता हुआ जो समय गुजार रहा है, यह भी उसके लिए एक दिन का अष्टमी को या चतुर्दशी को करने का एक मन बनता है। तभी वह आरंभ से रहित होकर अपने व्यापार इत्यादि के कार्यों से रहित होकर और सब प्रकार के शरीर श्रृंगार आदि से रहित होकर के वह 48 घंटे गुजारता है शिक्षा व्रत के रूप में। वह मुनि महाराज बनने की शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थ श्रावक भी अगर घर में नहीं रहता तो वह मंदिर में आकर के वह इन समयों में अपनी धर्म आराधना करता रहता है और वह किसी भी प्रकार की कोई गपशप नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, मौन पूर्वक वह 48 घंटे निकालना एक बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है। और अगर मौन ना रह सकें तो आचार्य कहते हैं आप स्वयं स्वाध्याय करें, दूसरे को भी स्वाध्याय सुनाएं। और इसी धर्मामृत का पान करते हुए अपने अंदर के परिणामों को संभाल करके रखें। यह अभ्यास गृहस्थ के लिए जो व्रती हो जाता है वह करता है और जो व्रती नहीं होते हैं उनके लिए कोई अभ्यास नहीं रहता। उनके लिए तो कब अष्टमी आ गई, कब चतुर्दशी आ गई, अगर बहुत हो गया बहुत हो गया तो हो सकता है कि कभी अष्टमी या चतुर्दशी को रात्रि में भोजन ना करें। ऐसे ऐसे गृहस्थ अष्टमी या चतुर्दशी को एक दिन पूजा करने का भाव बन जाए। ऐसे ऐसे गृहस्थ अष्टमी या चतुर्दशी को एक दिन हो सकता है उनके मन में भाव बन जाए कि हम हरी ना खाएं, लेकिन यह भी उनके लिए कठिन हो जाता है। और इधर जो व्रत धारण कर लेता है, व्रती श्रावक हो जाता है, उसके लिए ये अभ्यास करने में ही आनंद आता है। यह एक साधना है जो घर में रह कर के ही की जाती है। भूख सबको लगती है, लेकिन उस भूख से अपने आप को बचाना और उस भूख के ऊपर भी जय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, ये इस प्रकार के उपवास के साधनों से होता है। जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति के अनुसार भी त्याग करने के लिए कहा गया है। आचार्यों ने कहा है प्रोसद उपवास भी 3 प्रकार का है। अभी जो आपको विधि बताई ये उत्कृष्ट विधि है। मध्यम विधि में यदि आप अष्टमी का पूरा उपवास नहीं कर सकते तो आप जल ले सकते हो। क्या समझे? जल लेकर के आप उपवास कर सकते हो। और अगर आपसे वह भी ना बने तो आचार्य कहते हैं कोई ऐसा भोजन जो रस रहित हो, उस निर्विकृति के भोजन को आप ग्रहण कर सकते हो। निर्विकृति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के रसों का उसमें समावेश ना हो। रस जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? एक गोरस होता है। गोरस में आपके दूध दही मठा ये सब चीजें आ जाती हैं, ये भी विकृति है। एक इच्छु रस होता है। इच्छु रस में आपका शक्कर खांड मिठाई ये सब चीजें आ जाती हैं, गुड़ इत्यादि, इसका भी। एक अन्न रस होता है जिसमें ये तेल इत्यादि जो सोयाबीन इत्यादि के निकलते हैं ये भी एक अन्न रस में आ जाता है।
और एक फल रस होता है जिसमें ये आम के, अनार के, सेब के, ये सब रस आ जाते हैं। इन रसों के बिना कोई अगर भोजन हो तो वह भोजन करने वाला जघन्य प्रोषदोपवासी श्रावक बन जाता है। क्या होगा इनके बिना? आप आराम से रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ और ऐसी चीजें जिनमें इस प्रकार के रस ना पड़े हो। अगर आपसे यह भी नहीं बनता तो आपके लिए इतनी सुविधा भी दी जा सकती है कि वैसे तो निर्विकृति इसी का नाम है कि उसमें किसी भी प्रकार का न तेल का छोंक हो, न घी का छोंक हो, न किसी भी प्रकार के उसमें स्वादिष्ट मसाले हो, इसका नाम कहलाता है निर्विकृति। अगर इतना भी नहीं बनता तो आपके लिए एक छूट दी जा सकती है कि आप भोजन में थोड़ा सा तेल या घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए इतना भी होकर के बन जाता है तो भी वह एक तरह से जघन्य प्रोषदोपवास की श्रेणी में आ जाता है। और ये प्रोषदोपवास क्या करता है? हमारे शरीर को अभ्यस्त बनाता है। शुरू शुरू में सबको डर लगता है, क्या करने से? भोजन से बचने से, कि भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कहीं ऐसा ना हो हम रोगी हो जाएं। देखो बुद्धि कैसी चलती है हमारी, हम क्या सोचते हैं? अगर हमने शरीर को भोजन नहीं दिया तो ऐसा ना हो कि कहीं हम रोगी हो जाएं। जबकि विज्ञान और धर्म ये कहता है कि अगर आप 15 दिन में एक दिन उपवास करेंगे तो आप निरोग बने रहेंगे। क्या सुन रहे हो? ये धर्म की व्याख्याएं विज्ञान से अलग नहीं है। विज्ञान भी इस बात को, डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें 8 दिन में या 15 दिन में अपने लिए उपवास करना चाहिए जिससे कि हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिले। वह भी एक मशीन है और उस मशीन को भी हमें कभी ना कभी खाली तो रखना चाहिए, उसकी भी हमें कभी ना कभी सर्विसिंग करने के लिए ले जाना चाहिए और उस मशीन को भी हमें विश्राम दे करके उसे थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहिए। अगर आप निरंतर उस मशीन से काम लेते रहेंगे तो क्या होगा? वो मशीन धीरे 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 अपनी क्षमता को कम करती चली जाती है। और जिसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वह इतना साहस कर ले कि मैं एक आसन कर लूं या उपवास कर लूं, तो वह क्षमता उस मशीन की भी बढ़ जाती है और आत्मा की भी बढ़ जाती है। ये क्षमता वस्तुतः जो बढ़ती है अपने इस संकल्प के माध्यम से ही बढ़ती है। आपको मालूम होगा गांधी जी बहुत उपवास करते थे और इतने उपवास के बाद भी उनका जीवन इतने लंबे समय तक चला। ये भी लोग सोचते हैं ज्यादा उपवास करोगे, ज्यादा तप करोगे तो जल्दी निपट जाओगे। ये भी धारणा गलत, ऐसा नहीं होता। उपवास करने से हमारे शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम्स प्रकट होते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो एंजाइम किसी भी इंजेक्शन से नहीं बन सकते, जो एंजाइम आमाशय में किसी भी टेबलेट से नहीं बन सकते, वो एक ऐसा एंजाइम ऐसे रस झड़ते हैं केवल वो सौभाग्य उनको मिलता है जो उपवास करते हैं। और उस उपवास के माध्यम से अपनी किडनी, लीवर, आंतें सबको आराम मिलता है। और ये आराम का एक दिन जो खो देते हैं उनके लिए अनेक प्रकार के रोग घिर जाते हैं। आचार्य विनोबा भावे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भूदान आंदोलन के वो प्रणेता थे।
एक बार एक व्यक्ति उनके पास में गया, वो भी सर्व दर्शनों को पढ़ने वाले थे। जैन दर्शन को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था और जैन दर्शन को पढ़ने के बाद में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जैन समाज के लिए कि दिगंबर और श्वेतांबर और जितने भी पंथ हैं सबको मिलाकर के एक पुस्तक निकाली जाए जिसमें कि जैन ही धर्म के बारे में पूरी जानकारी हो। तो उन्होंने एक जैन गीता करके वो पुस्तक बनाई थी और उस पुस्तक का उन्होंने संकलन करवाया था और उस पुस्तक का फिर विमोचन होने के बाद में वह आचार्य महाराज के पास पहुंची पुस्तक और उसका पद्यानुवाद करने के लिए कहा गया। तो आचार्य महाराज ने उसका पद्यानुवाद किया जो श्रमण सुक्तम के नाम से वह पुस्तक अभी भी मिलती है, प्रसिद्ध है। ये उन आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से ये पुस्तक बनी थी। उन विनोबा भावे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास में एक बार एक व्यक्ति पहुंचा। ये लोग गृहस्थ भी थे और एक तरह से संत साधु जैसा इनका जीवन रहता था, चाहे ये गांधी जी हो, विनोबा जी हो इत्यादि। अब जब उनके पास में एक गृहस्थ पहुंचा और उसने कहा कि मैं बहुत बीमार रहता हूं, तो विनोबा जी ने सबसे पहले उससे पूछा, तुम कौन हो, नाम बताओ। तो उसने अपना नाम बताया, फलाने चंद जैन। जैसे ही उन्होंने नाम सुना कि इसका नाम जैन है, तो विनोबा जी ने कहा, तुम जैन हो ही नहीं सकते। बोले, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बोले, जैन कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता अगर वो जैन धर्म का पालन करे तो। जब उस आदमी ने ये सुना तो पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। विनोबा जी ने कहा, जैन धर्म के अंदर इतनी मर्यादा से भोजन करने की विधि बताई गई है, इतने स्वच्छ ढंग से भोजन और पानी को ग्रहण करने की विधि बताई गई है और उसमें उपवास का जो एक विधान रखा गया है वह एक इतना मनोवैज्ञानिक और शरीर विज्ञान के हिसाब से इतना उपयुक्त विज्ञान है कि अगर कोई श्रावक इस विज्ञान का पालन करे तो वह कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। और उनके मुख से यही निकला कि जैन श्रावक कभी बीमार हो ही नहीं सकता। आप इस बात को सोचें कि एक व्यक्ति जो जैन नहीं है वह भी जब जैनत्व को पढ़कर के इतना समझ लेता है और इस प्रकार के त्याग को और संयम को अपनाता है, तो हमको भी विचार करना चाहिए। आज डॉक्टर लोग कहते हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट जैन मिलते हैं। सुन रहे हो, डॉक्टर लोगों का कहना है। माल खाते हैं, खाने की मनाही नहीं है, लेकिन उतना खाओ जितना कि पच जाए। उस खाने से क्या मतलब, जो बाद में इतना बच जाए कि डॉक्टर को देना पड़े। माल खाने के लिए तो सभी खाते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक खाने वाला वह क्रियावान श्रावक कहलाता है, जिसके अंदर इतना विवेक हो कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, कितना हमको पच रहा है और कितना हमारे वो स्वास्थ्य के अनुकूल है। अगर आपको इतना विवेक नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए वह जैन श्रावक कहने में, जब एक अजैन विद्वान आपसे कह सकता है कि आप जैन नहीं हो, तो कम से कम हम भी तो कह सकते हैं कि फिर आप जैन नहीं हो। क्योंकि हमारे अंदर इतनी विजय अपनी इंद्रियों को जीतने का, अभ्यास करने का धर्म, ये भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकों के लिए ही बताया है। और इस धर्म के पालन करने से कभी हानि नहीं हो सकती, इसके पालन करने से आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी और आप अनेक प्रकार के रोगों से बचेंगे। ये अभ्यास कम से कम हमें अष्टमी को, चतुर्दशी को इसीलिए करने को कहा जाता है। अगर आप पूरा उपवास ना कर सकें, कोई बात नहीं, एक आसन करने का अभ्यास करें।
दोपहर में 11 बजे 12 बजे खा लिया, इतने से आपके लिए दिन भर निकल जाए तो भी पर्याप्त। अगर इतना भी ना हो, शाम को रात होने से पहले पहले पानी पी लिया, कम से कम इतना ही हो जाए, वो भी पर्याप्त। और अगर आपके लिए इतना भी ना हो तो कम से कम सुबह और शाम हम दो ही टाइम भोजन करेंगे, बीच में हम ना चाय पिएंगे, ना कॉफी पिएंगे, ना पान खाएंगे, कुछ तो करने का भाव करना चाहिए। हम जिस धर्म में जी रहे हैं वह धर्म हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए है, हमें अपनी आत्मा को और बलवती बनाने के लिए है। और उस धर्म में उस उपवास के द्वारा यदि हम डरते हैं तो उससे हमारे लिए आगे ऐसी स्थिति बन जाती है कि शरीर रुग्ण हो जाता है, और अंत में जब ये शरीर रुग्ण हो जाता है तो फिर वह कोई भी त्याग कोई भी तप कभी भी कर ही नहीं सकता है, अंत में मरण की स्थिति बन जाती है। और उस समय पर उसे कोई कुछ भी समझाए तो उसके लिए कुछ भी ग्रहण नहीं होता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। अभी एक बहुत अच्छा संस्मरण आपके गोटे गांव का, आपके ही ये बप्पा जी ने हमें बताया। बोले एक श्रीमान जी थे और वह समाधि मरण करने के लिए लोग उनसे कहने लगे, बोले आप समाधि मरण करो, समाधि मरण करो। कोई मुनि महाराज होंगे कभी यहाँ तो वो उनके पास गए होंगे, उनने कहा होगा कि आप ये त्याग कर दो, आप ये त्याग कर दो, आपका समाधि मरण अच्छे से हो जाएगा। तो वो दादाजी कहते हैं, भैया महाराज जी पहले हमें ठीक कर दो, उसके बाद में हम त्याग कर दें। ये बात क्यों आई? क्योंकि हमारे अंदर त्याग का भाव है ही नहीं। लास्ट लास्ट तक आदमी के अंदर यही बना रहता है कि अब हम ठीक हो जाएं। अब ठीक होगा कि तो बिल्कुल ठीक ठाक ही होगा, कि अब बिल्कुल तेरे लिए ठोंकना ही पड़ेगा तब ठीक ठाक होगा। जब तक हमारे अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अब हम और अच्छे हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, आपके लिए कभी भी त्याग करने का तप करने का भाव आएगा ही नहीं। ये शुरू से ही अभ्यास किया जाता है और ये अभ्यास करने वाला श्रावक ही अंत में बहुत अच्छे से अपने प्राणों का विसर्जन कर सकता है। भोजन को छोड़ना और भोजन छूट जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे अभी बात कही जा रही थी मंगलाचरण में, सब रिश्ते नाते छूट जाते हैं, छोड़ जाते हैं ऐसे नहीं है। वो रिश्ते नाते छूट जाना और रिश्ते नाते छोड़ जाना, दोनों में अंतर है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन छूट जाना और भोजन हमें छोड़ जाना, इन दोनों में बहुत अंतर। देखो, जब हम छोड़ते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता, आनंद आता है। छोड़ने में कष्ट नहीं है, छोड़ने में आनंद है। और जब हम हमको कोई छोड़ता है तो उसमें हमें कष्ट होता है, उसमें हमें आनंद नहीं आता। आप भोजन का ही उदाहरण ले लो, जो भोजन आपने किया वह भोजन आप सुबह सुबह छोड़ देते हैं, दिन भर के पाचन के बाद में वह छूट जाता है। आपने छोड़ा, उस क्रिया के माध्यम से आपके लिए सुख की अनुभूति होगी। और अगर वह भोजन आपको छोड़े तो वो कैसे छोड़ेगा? जब उल्टी होती है, पलटी होती है, तब वह भोजन हमको छोड़ रहा होता है, उसमें कष्ट होता है। और जब हम भोजन को किए हुए को जब छोड़ते हैं तो उसमें हमें कष्ट नहीं होता। ऐसे ही दुनिया के रिश्ते नाते अगर हम छोड़ेंगे तो कष्ट नहीं होगा, और जब सामने वाला छोड़ करके जाएगा तो हमें कष्ट होगा। हमारे जितने भी देह के संबंध हैं, हम अपने शरीर को छोड़ेंगे तो हमें कष्ट नहीं होगा, और जब शरीर हमें छोड़ के जाएगा तो हमें कष्ट होगा। ज्ञानी
छोड़ता चला जाता है और छोड़ते जाना ही उसका स्वभाव बन जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे अपने आप छूटती चली जाती हैं। बचपन होता है, बच्चा होता है, माँ का दूध पीता है, कुछ समय के बाद में वह छूट जाता है। फिर बाद में उसके लिए एक निपल लगा दी जाती है, बोतल, वो भी कुछ समय के बाद उससे छूट जाती है। देखना, कुछ चीजें छूटती चली जाती है। फिर वह बच्चा साल भर का हो गया, दो साल का हो गया, खिलौने से खेलना शुरू हो जाता है। लगभग 5 साल 10 साल तक मान लो हमने उसको खिलौने से खिलाया, वह खिलौने से खेलना भी फिर बाद में छोड़ देता है। देखना, बचपन से सारा का सारा अभ्यास छूटने का चल रहा है। 10 साल के बाद में वह उन खिलौनों से खेलना छोड़ देता है। जब वह 20 साल का होता है, उसके अपने जो यार दोस्त रहते हैं, जिनके साथ में वह मिट्टी में खेलता है, जिनके साथ में वह मैदान में खेलता है, वह यार दोस्त भी 20 साल के बाद में छूटने लग जाते हैं। जब वह 30 साल का होता है, तो उसके जो कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो कक्षा के दोस्त हैं, उसके साथ में रहने वाले हैं, वे दोस्त भी उसके 30 साल बाद छूटने लग जाते हैं और वे भी छूट जाते हैं। अब देखो, 30 के बाद क्या स्थिति बनती है। अब 30 के बाद उसने जिसको ग्रहण किया, वो फिर उसके लिए जिंदगी भर नहीं छूटता। 30 से 40 के बीच में अब उसने जो ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया आप जानते हैं, जिससे अब रिश्ता बनाया, जिनको जिन खिलौनों को खेलने से वो प्रारंभ हो गया और जिन खिलौनों को उसने अपना लिया, अब वह उनको छोड़ना नहीं चाहता। चाहे वो अपने घर के परिवार के लोग हों, चाहे अपने ऐसे सगे संबंधी हों जो हमने पति और पत्नी के रूप में संबंध बनाए हों, या कोई भी पुत्र इत्यादि के पिता के रूप में संबंध हो, ये संबंध फिर अब जिंदगी में वह छोड़ना नहीं चाहता। 30 साल तक तो उसकी कुछ ना कुछ छोड़ने की वृत्ति रही, और 30 साल के बाद में वह जिससे चिपका, तो फिर वो चिपकता ही चला जाता है। अब वह कब 40 का हो गया। कहते हैं कि 40 साल की उम्र तक कम से कम आदमी को होटल पर खाना छोड़ देना चाहिए। क्या समझे? 40 साल की उम्र तक आदमी को बाजार की वस्तुएं खाना छोड़ देना चाहिए। और अगर 50 का हो जाए, तो 50 की उम्र होने पर उसे अपने जो गृहस्थी के व्यापार हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। 60 का हो जाए, तो उसे अपने गृहस्थी के व्यापारों के अलावा जो घर में हम ऑर्डर देते हैं, जो घर में हम अनेक प्रकार की अपनी कंट्रोलिंग बनाए रखते हैं, 60 की उम्र के बाद में उस कंट्रोलिंग को भी छोड़ देना चाहिए, वो कंट्रोल बोर्ड किसी और को दे देना चाहिए। 70 के हो जाए, तो हमारे लिए ऐसी चीजें जिनमें हमें चुस्की लेने में आनंद आता है, ऐसी चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, पान मसाले हो, ये हमको 70 के बाद छोड़ देना चाहिए। 80 के बाद हमें लस्सी छोड़ देना चाहिए, और 90 के बाद क्या करना चाहिए, हमें खटिया छोड़ देना चाहिए, हमें कम से कम बिस्तर छोड़ करके चटाई पर सोने का अभ्यास कर लेना चाहिए, और फिर 100 के बाद हमें दुनिया ही छोड़ देनी, इससे ज्यादा तो नहीं जीना। अगर इतना भी तुम्हारे लिए हो जाए, तो भी ये जिंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी बन सकती है। छोड़ना ही धर्म है, चिपकने का नाम धर्म नहीं है। जिस चीज को हम अपनी आत्मा से चिपकाते जाएंगे, वो हमारे लिए कर्म बंध का कारण होती चली जाती है, और वह हमारे संसार में आगे फिर संसार की वृत्ति का कारण बनती है। इसलिए त्याग का नाम धर्म है,
ग्रहण करने का नाम धर्म नहीं है। उत्तम त्याग धर्म, त्याग को धर्म कहा। उपवास के दिन भी हम क्या करते हैं? चार प्रकार के आहार का त्याग। अगर ये त्याग हमने किया है तो समझना कि हम धर्म कर रहे हैं। वह धर्म जो भगवान महावीर ने हम श्रावकों के लिए कहा, गृहस्थों के लिए कहा, और आज का गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का ही पालन नहीं कर रहा है। देखो, इस धर्म भावना में गृहस्थों के लिए 11 प्रतिमाएं बताई जा रही हैं, गृहस्थों के लिए अलग से धर्म बताया जा रहा है, और कितने गृहस्थ ऐसे हैं जो इस धर्म का पालन कर रहे हैं। ये स्वयं हम विचार करें कि भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए हुए इस गृहस्थ धर्म का पालन हमसे नहीं हो पा रहा है। इस धर्म का पालन करने के लिए अगर हमें थोड़ी सी अपनी शक्ति कहीं और लगानी भी पड़े, थोड़ा सा हमें अपना मन कष्ट से बनाना भी पड़े, तो भी हमें बना लेना चाहिए, क्योंकि इस धर्म को पालन किए बिना आगे आपके लिए ऐसे धर्म के फिर संयोग मिलने वाले नहीं हैं। आगे आपके लिए समाधि मरण होने वाला नहीं है। आपके प्राण इस शरीर को छोड़ते हुए निकले और वह आपके प्राण निकलते समय आपको कोई कष्ट ना हो, यह साधना इसी प्रकार के व्रतों के धारण करने से होती है। इसलिए अपनी उम्र में एक ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि इस उम्र के बाद में हमें यह कार्य नहीं करना, इस उम्र के बाद में हमें इन कार्यों से निवृत्ति लेना, तभी आपका वह जीवन बहुत अच्छा चलेगा और चल सकता है। मुनि महाराज के लिए भी ऐसा ही वर्गीकरण समय का रहता है। कितने समय तक वह दीक्षा लेने के बाद में शिक्षा ग्रहण करना, फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद में गढ़ पोषण करना, और गढ़ पोषण करने के बाद में उनका एक आत्म संस्कार का काल आ जाता है, फिर उसके बाद में वह उनके समाधि मरण का काल आ जाता है। हर अपनी उम्र का वह डिवाइडेशन करके चलते हैं, तभी उनके लिए वह धर्म पूर्ण रूप से पलता है। गृहस्थों को भी इसी प्रकार का डिवाइडेशन करना चाहिए, तभी वह रिटायर्ड होने का मतलब है, और नहीं तो ऐसे ही एक्सपायर हो गए तो कोई मतलब नहीं। क्या समझा है? गण पोषण का मतलब है जो हमारे सामने समूह है उस समूह के लिए ज्ञान देना, उसको चारित्र की वृद्धि कराना, और एक तरह से गण पोषण का मतलब है जो हम बड़े बड़े आचार्य होते हैं उनके जो शिष्य होते हैं वो उनका गण कहलाता है, और उस शिष्यों के लिए सब प्रकार से पोषण करना, शिक्षा देना, दीक्षा दे करके उन्हें आगे बढ़ाना, इसका नाम है गण पोषण। और जो गढ़ नहीं है तो जो भी श्रावक हैं उनके लिए ज्ञान देना, चारित्र की वृद्धि का उपदेश देना, इस तरह से धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए भी जो उपदेश इत्यादि के द्वारा एक तरह से श्रम किया जाता है, इसकी भी एक उम्र है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा वह उपदेश ही आपके लिए मिलता रहेगा। क्या समझे? एक उम्र है। अभी गोटे गांव में इस उम्र में आए हैं, अगर कभी मान लो 20 साल 30 साल बाद इस गोटे गांव में आए तो फिर ऐसे उपदेश नहीं हो पाएंगे जैसे अभी ये 4 महीने से 5 महीने से लगातार चल रहे हैं, क्योंकि वह एक चीज भी ऐसी है जिसको छोड़ना पड़ता है। वह उपदेश देने की प्रक्रिया भी त्याग करके केवल अपने आत्म आराधना की प्रक्रिया में लगना आत्म संस्कार का काल बन जाता है, और उसमें ये सब चीजों का भी त्याग किया जाता है। ये वर्गीकरण मुनि महाराज के लिए है, वो तो हमें ध्यान है। आप अपनी सोचो, आपको क्या करना है? अपने मन में ये विचार करो कि इस उम्र के इस पड़ाव पर हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा आगे का जीवन सिक्योर हो जाए। सिक्योर होने का मतलब बिल्कुल जैसे हमने उस दिन बताया था, लाइफ इंश्योरेंस।
आपके लिए अगले जन्म तक का हो जाए और वह इन्हीं व्रतों और उपवास और तप के माध्यम से होता है। थोड़ा थोड़ा सा मन बनाने से भी हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब आचार्य महाराज के पास में हम गए ब्रह्मचारी अवस्था में, उस समय पर सात प्रतिमाओं के व्रत हमने ग्रहण कर रखे थे दूसरे आचार्य महाराज से। आचार्य महाराज ने पूछा कितनी प्रतिमाएं हैं तुम्हारी, हमने कहा सात प्रतिमाएं। तो बोले सात प्रतिमा में ये प्रोसत प्रतिमा भी आती है, हमने कहा आती तो है। तो बोले उपवास करते हो, हमने कहा नहीं करते हैं। तो देखो अगर तुम ये प्रोसद उपवास प्रतिमा पालना चाहते हो तो कम से कम अष्टमी को दूध और जल लेकर के रहना। आचार्य महाराज ने इतना कहा। अब पहले तो उपवास करना, और उपवास अगर नहीं सजे तो केवल दूध और पानी लेकर के अष्टमी को निकालना। ठीक है, पहले शुरू शुरू में कोई अभ्यास नहीं रहता, और अभ्यास नहीं रहने के कारण से अनेक प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। जी मिचलाता है, पित्त भड़कता है, रात में नींद नहीं आती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन वही अभ्यास धीरे धीरे करते 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 इतना अभ्यस्त हो जाता है कि फिर बाद में उपवास इत्यादि करने से भी जी नहीं मिचलाता, और दूध उपवास लेने से भी कुछ भी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभ्यास करने से धीरे धीरे शक्ति बनती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब मुनि महाराज बन जाते हैं तो फिर उनके लिए ये 11 प्रतिमाएं नहीं होती हैं, उनके तो फिर अपने धर्म अलग हो जाते हैं, उनका अपना क्रियाकलाप अलग हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में शक्ति इसी से अर्जित की जाती है। एक गृहस्थ जब मन बनाता है कि हमें महाव्रतों को धारण करना है तो पहले वह अड़ू व्रतों का पालन करता है, और जब अड़ू व्रतों में वह कुशल हो जाता है तो वह महाव्रतों के धारण करने लायक हो जाता है। हमारे अंदर ये व्रतों के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से इस प्रकार से शरीर अभ्यस्त होता चला जाता है कि हम थोड़ा भी खा करके अपना जीवन चला सकते हैं और बहुत खा करके भी अपना जीवन चला सकते हैं। बहुत खाने से तो बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा खाने से कभी बीमारियां नहीं होंगी। आज के डॉक्टर कह रहे हैं कि इस भारत में भुखमरी से, भूख के कारण से इतने लोग नहीं मरते जितने ज्यादा खाने से मरते हैं। सुन रहे हो, ज्यादा खाने से ज्यादा मौतें होती हैं। कभी भी भूख से लोग इतने ज्यादा नहीं मरते जितने ज्यादा ये अनाप शनाप बिना किसी भी मर्यादा का, बिना सोचे समझे जो ये भोजन पान किया जाता है, इसका ये परिणाम निकल रहा है कि अब व्यक्ति की उम्र 80 साल तक पहुंचना मुश्किल हो चुकी है। वह बीच में ही कभी भी उसके लिए कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल, लीवर भस्ट, ये सब बीमारियां आजकल इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आदमी को खान पान का विवेक नहीं रहा है, और इस विवेक के बिना वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, और इसलिए वह धर्म से दूर होता चला जा रहा है। हम थोड़ा सा धर्म के निकट आएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धर्म भी होगा, दोनों प्रकार के फायदे इससे हैं। और अगर आप अपनी जिह्वा को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके लिए धर्म भी हाथ से जाएगा, और आगे रोगों का भी आमंत्रण आप स्वयं देंगे। ये आप स्वयं समझ रहे हैं, आपका समय हो गया है। प्रोसद प्रतिमा को मतलब है अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम कुछ ना कुछ फास्ट फूड नहीं लेना, फास्ट करना। फास्ट माने क्या होता है? फास्ट माने उपवास। फास्ट फूड नहीं लेना, बल्कि फूड को ही फास्ट कर देना। फास्ट करने का मतलब है हम अपने आप पर कंट्रोल करें और अपनी उस पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम दें। बोलो महावीर भगवान की। जोरदार तालियां बजा दीजिए कृष्ण।
सकती हो, एक टाइम भी हो जाए।